पहला हमारा न्यूज जो है वो आपका तमिलनाडु को लेकर है। अब इस न्यूज को जो है हम लोग किससे अपने जीएस के किस सब्जेक्ट से अटैच करके देखेंगे, इसको हम लोग जो हमारा इंडियन पॉलिटी है उससे अटैच करके देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या प्रोविजन मतलब डिस्प्यूट क्या चल रहा है, जो आपके तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एमके स्टालिन। ठीक है, तो हमारे यहाँ प्रोविजन जैसे आप लोगों को पता होगा क्या होता है कि हमारे यहाँ क्या है आपके 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, और बाकी क्या है आपकी 8 यूटीज हैं। ठीक, तो 28 स्टेट्स में आपकी क्या होती है, स्टेट असेंबली होती है। ठीक, और स्टेट असेंबली में अगर मैं बोलूँ मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं आपके, तो आपका क्या होता है चीफ मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। हर स्टेट का अपना चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, और साथ में हर स्टेट असेंबली में या स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होता है आपका गवर्नर होता है। ठीक है, गवर्नर को हम लोग क्या मान के चलते हैं कि गवर्नर इज अ व्हाट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि स्टेट में अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। अब गवर्नर का अपॉइंटमेंट, ठीक है, ऑफिशियली लैंग्वेज लिखा हुआ है कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, गुड, बट प्रेसिडेंट ये किसको बनाएगा, गवर्नर किस स्टेट का बनाएगा, ये उसकी खुद की विश नहीं होती है। ऐसा करने के लिए प्रेसिडेंट को कौन कहता है, पीएम प्लस कैबिनेट। ठीक है, ऐसा करने के लिए प्रेसिडेंट को कौन कहता है, पीएम प्लस कैबिनेट, यानी कि ऑफिशियली अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर तो करेगा प्रेसिडेंट, लेकिन एज यूजुअल है कि पीएम प्लस कैबिनेट जिस पर्सन को चाहेंगे उसको क्या करेंगे, किसी भी स्टेट का गवर्नर बना देंगे। अब होता यह है, एक जो इट इज नॉट इन द रूल बुक, बट होता यह है कि हर एक जो हमारे 28 स्टेट्स में उनमें वही आपको गवर्नर मिलेंगे जिनका बीजेपी का, क्योंकि इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है आपकी, बीजेपी पार्टी है। तो जो भी गवर्नर आपको स्टेट में मिलेंगे उनका जो बैकग्राउंड आप चेक करोगे वो हमेशा किसका मिलेगा आपको, बीजेपी का बैकग्राउंड मिलेगा। आइदर दे आर अ वेरी फेमस पॉलिटिशियन इन द बीजेपी, अपने टाइम पर रहे होंगे पर अब उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स को छोड़ दिया है, तो उनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर मैं सो कॉल्ड बोलूँ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्लिक बीजेपी गवर्नमेंट, तो उन्होंने उसको पर्सन को क्या बना दिया है, किसी स्टेट का गवर्नर बना दिया है। गॉट इट? और या तो आपके क्या होते हैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल हो गए, मेजर जनरल हो गए, या आपके रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स आपके होते हैं, आईएएस होते हैं, आईएफएस होते हैं, जिनका कहीं ना कहीं कोई बैकलॉग या कोई ना कोई कह सकते हो कि थोड़ा सा जो क्या होता है, जो झुकाव मतलब एक थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है, झुकाव होता है किसकी तरफ होता है आपका, बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ। तो ये चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट रहे हो सेंटर में, तब भी ऐसे ही होता है कि हर एक स्टेट में गवर्नर चेंज कर दिए जाते हैं जब भी कांग्रेस गवर्नमेंट आती है सेंटर में, और अपने ही लोगों को वो क्या बनाती है, गवर्नर बनाती है। तो ये तो एक कह सकते हो कि रूल बुक में नहीं लिखवाया पर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल, प्रैक्टिकली ये फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब सेंटर स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी का ना पार्टी होके किसी और पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट हो और गवर्नर का बैकग्राउंड किसका हो, बीजेपी का। तो अभी तमिलनाडु में यही हो रहा है कि एमके स्टालिन जो है उनका कोई बीजेपी का बैकग्राउंड नहीं है, इट इज डजंट बिलोंग टू द बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी, और लेकिन जो गवर्नर है उनका बैकग्राउंड जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि जो गवर्नर होता है वो एक सिम्बॉलिक हेड होता है, ये समझना। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट क्या होता है, सिम्बॉलिक हेड पार्लियामेंट में होता है या सेंटर में होता है, उसके नाम से सारे काम होते हैं, वैसे ही हर एक स्टेट में जो सारे ऑफिशियल फंक्शंस या ऑफिशियल ऑर्डर पास ऑन होते हैं वो गवर्नर के नाम से पास ऑन होते हैं। लेकिन तमिलनाडु में क्या हो रहा है कि गवर्नर जो है वो अपनी पावर या जो उसकी बाउंड्री है उससे बाहर निकल के क्या कर रहा है, एक्शन ले रहा है, जो कि वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट को क्या हो रहा है, पसंद नहीं आ रहा है। क्योंकि देखो ध्यान रखना, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम हेड उसी को मानते हैं जो एक इलेक्टेड होते हैं। तो चीफ मिनिस्टर वहां के जो स्टालिन है, उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सीट जीत के आई है, तो उनके सारे बिल्स को रोकना या उस सारे बिल्स को क्या करना, मैनिपुलेट करके प्रेसिडेंट के पास भेजना, इस तरीके से एक तरीके से गवर्नर जो है बार बार क्या कर रहे हैं, वहां की गवर्नमेंट के जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है उसमें क्या कर रहे हैं, हर्डल डाल रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया सोनाली फातिमा, इतना समझ में आ गया दोनों? यस ठीक सर, है, कि उनका गवर्नर का क्या रोल होता है और वो किस तरीके से एंटी जो होते जा रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत पुरानी हिस्ट्री है। अब ध्यान रखना, यहाँ से आपके लिए प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन तैयार हो जाता है और आपके आईएफएस के मेंस के लिए भी क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या तैयार होते हैं कि डिस्कस द पावर और डिस्कस द लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर। ठीक है, तो
कुछ इस तरीके से जो गवर्नर की पावर्स हैं वो हम लोग को पढ़नी होती है मेंस के अपॉइंट। अभी प्रीलिम्स के अपॉइंट में तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये आ सकता है कि जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जो आपका प्रीलिम्स होता है उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है और गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती है। ठीक है, देखो ये चीज समझना, गवर्नर जो है किसी भी स्टेट का 99.9% वही एक्शन या फंक्शन करता है या डिसीजन लेता है जो उसको कौन कहता है ऐसा करने के लिए, सीएम प्लस कैबिनेट। ठीक है, चीफ मिनिस्टर प्लस कैबिनेट जो गवर्नर को बोलेगा गवर्नर को करना पड़ेगा। बट 0.1% कुछ ऐसी ऐसे एक्शंस होते हैं, ऐसी पावर्स होती हैं जिसके लिए वो किससे डिस्कस नहीं करता, सीएम प्लस कैबिनेट से डिस्कस नहीं करता और अपना सो कॉल्ड एक्शन ले सकता है। और यहीं पर वो जो गवर्नर होता है वो थोड़ा सा डोमिनेंट हो जाता है किसके ऊपर, इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम प्रिलियम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें सर्च करें क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट बन सकता है, गवर्नर का रिमूवल कैसे किया जाता है, और अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिस्कस करें तो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, उसकी एग्जीक्यूटिव पावर और उसकी लेजिस्लेटिव पावर। और जो अभी आजकल ये चल रहा है डिस्प्यूट जिसमें गवर्नर अपने उससे बाहर निकल के एक्शन कर रहा है, तो वो डेमोक्रेसी के लिए हमारे अच्छा नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरा आपका सेकेंड आपका न्यूज ये रहा, उसी को लेकर ही है, केरला गवर्नमेंट टू मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट गवर्नर सिटिंग ऑन मेनी बिल्स। अब देखो जैसे तमिलनाडु में चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही डिस्प्यूट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट केरला और गवर्नर के बीच में हो रहा है। क्योंकि मैंने फिर से बोला कि केरला में भी कोई बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, वहां पे क्या है अलग पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नर है, पार्टी है, और जो गवर्नर है उनका बैकग्राउंड बीजेपी का है। तो क्या हो रहा है कि गवर्नर के पास जब भी कोई बिल सिग्नेचर करने के लिए आता है तो गवर्नर के पास एक पावर होती है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब होता है कि सर्टेन बिल जो है वो अपने पास रख लेगा, ना तो उस पर साइन करेगा ना तो उसको रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से भी वो स्टेट गवर्नमेंट को परेशान कर सकता है। तो यानी कि अभी पिछले कह सकते हो कि 1 साल के अंदर अंदर काफी आपके जो गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो डिस्प्यूट शुरू हो गए उससे ये क्वेश्चन आने वाले टाइम पे बन सकता है, या तो इस साल या तो नेक्स्ट ईयर आपका। ठीक, अच्छा ये सारी मैंने गवर्नर क्या होते हैं उनके बारे में एक आपको स्नैप दे रखी है, इसकी मैं पीपीटी आपको शेयर करूंगा तो उसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, अच्छा अब आते हैं अगला, हम लोग अगला आपका ये एडिटोरियल आया था द हिंदू में, अ केस ऑफ अनचेक पावर टू रिस्ट्रिक्ट ई फ्रेश स्पीच। ठीक है, ये असल में जो डिस्प्यूट है ये 1 हफ्ते पुराना डिस्प्यूट है, वो है आपका किसको लेकर, जो आपके ये है हाई कोर्ट है, कर्नाटका हाई कोर्ट है, उसने ट्विटर को क्या दिया है, एक ऑर्डर दिया है कि आपको यू हैव टू पे पेनल्टी ऑफ ₹50 लाख। ठीक, असल में डिस्प्यूट रहता है, उसको खाली सुन लो शॉर्ट में, थोड़ा सा मदद करेगा। डिस्प्यूट ये था कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी कि हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्विटर को कुछ ऑर्डर पास ऑन किए अंडर दी व्हाट आईटी एक्ट सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट 2000। ठीक है, ये इम्पावर करती है किसको, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और आपकी स्टेट गवर्नमेंट को भी, कि जितनी भी आपकी आईटी कंपनीज हैं या जो आपके एप्स हैं, जो आपके वेबसाइट्स हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये इम्पावर करती है इनको, दोनों को इम्पावर करती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चाहे वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो और चाहे वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों को इम्पावर करती है कि वो किसी भी सोशल साइट को, सोशल ऐप को या इंटरनेट में कोई भी जो कंटेंट है उसको जो गवर्न करते हैं या जो चलाते हैं उसको हटाने के लिए या उसको रोकने के लिए। तो असल में क्या हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्विटर ट्विटर को कुछ ऑर्डर्स पास ऑन किए थे कि कुछ पर्टिकुलर कमेंट्स हैं, जो कुछ पर्टिकुलर जो शेयरिंग हो रही है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। तो इसके अगेंस्ट में ट्विटर जो है वो कहाँ चला गया था, हाई कोर्ट में चला गया था, ये कहते हुए कि आर्टिकल 19 जो है हमारे यहाँ, जानना हमारे फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक है, ये सब आप लोग पढ़ेंगे आगे चल के पॉलिटी में, 12 to 35। ठीक है, ये सारे के सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हम सब इंडियन सिटीजन को मिलते हैं, आइदर वी बिलोंग टू एनी रिलीजन, एनी कास्ट, और मेल और फीमेल। ठीक है, तो इसी फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 है जिसमें लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जब भी आप किसी सोशल मीडिया पे, किसी वेबसाइट पे, किसी स्पीच देते हो, कहीं बोलते हो, तो आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो आपको राइट है आपका कि आप अपने जो भी विचार है, जो भी आपके थॉट्स हैं अबाउट एनीथिंग, वो आप दे सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशन खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है
कि एब्सोल्यूट नहीं मिल सकते आपको, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। और वो रिस्ट्रिक्शन क्या हो सकते हैं, जिसका इस सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट में भी कहा गया है कि आपके स्टेटमेंट से या आपके सोशल मीडिया में कोई कमेंट लिखने से अगर क्या हो रहा हो, हमारे इंडिया की, हमारे देश की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, यानी कि जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, या मान लो यूरोप के साथ हमारा रिलेशन है, या अमेरिका के साथ रिलेशन है, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर समझ में आया आप दोनों को, लॉ एंड ऑर्डर, जैसे जो पुलिस का काम होता है, जो आईएएस ऑफिसर का काम होता है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, ठीक है। अगर इन सब चीजों पे आपके कमेंट करने से, जो कि सोशल मीडिया में लोग आजकल बहुत करते हैं, इन कमेंट करने से अगर ये चीजें क्या हो रही हैं, इम्बैलेंस हो रही है और थ्रेट हो रहा है हमारी इंटीग्रिटी में, सॉवरेनिटी पे, या पब्लिक ऑर्डर पे, या रूल ऑफ लॉ पर, ठीक है, तब आपके जो कमेंट्स हैं, जो कि आप कहेंगे कि नहीं भाई आर्टिकल 19 कहता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ, लेकिन ये सब कॉजेज लगा के आपके जो कमेंट्स हैं, या जो आपके स्टेटमेंट्स हैं, या जो आपकी स्पीचेस हैं, उनको रोका जा सकता है। तो इसी को रोका गया था, तो ये जो ट्विटर महाशय थे ये चले गए आर्टिकल 19 को लेकर कोर्ट में कि नहीं सर ये तो सीधा सीधा आर्टिकल 19 का इम्पीचमेंट है, राइट ऑफ एक्सप्रेशन हमको, हमारे जो यूजर्स हैं उनको मिलना चाहिए। बट कर्नाटका हाई कोर्ट ने, जो यहाँ पे लिखा हुआ था, कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने सीधे सीधे बोल दिया कि गवर्नमेंट ने जो बेस दिए हैं, यानी कि जो स्टेटमेंट आपके ट्विटर में मूव ऑन कर रहे हैं पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, उससे जो इंडिया की सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, या पब्लिक ऑर्डर है, वो बिगड़ जाता है। इतना समझ में आ गया सोनाली फातिमा, कि क्यों यस राइट सर, ऑफ फ्रीडम क्या हुआ और रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट क्यों लगा सकती है, वो जायज है लगाना। देखो एब्सोल्यूट, ऐसे मैं बोल दूं कि मेरा पड़ोसी चोर है और बाद में चला बेचारा वो जो चोरी नहीं था, लेकिन पूरे 2 हफ्ते तो मैं उसको बदनाम करता रहा, ठीक है। तो इसी तरीके से राइट ऑफ एक्सप्रेशन हमेशा रिस्ट्रिक्टेड, मतलब वो होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता है, कुछ ना कुछ रीजन उसमें होता है। तो यहां से देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है, इतना बड़ा जो ये आर्टिकल था, इससे क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो राइट ऑफ एक्सप्रेशन है वो जो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब सॉरी पूरी तरीके से एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें रिस्ट्रिक्शन है, क्या वो ठीक है, और वो कौन कौन सी ऐसी बाउंड्रीज होनी चाहिए जो कि पार्लियामेंट आपके लिए बनाए कि कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना है। मान लो यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट फंक्शंस, मान लो जो अभी की सेंट्रल गवर्नमेंट है, या आप जिस स्टेट पे रहते हो, आपकी स्टेट गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स हैं आप उससे खुश नहीं हो, बहुत ही इलॉजिकल स्कीम्स मान लो लॉन्च हो रही है, और आप अपने व्यूज ट्विटर पे या सोशल साइट्स पे डाल रहे हो, और गवर्नमेंट आपको ही अगले दिन क्या कर दे, बुक कर दे कि नहीं आप तो एंटी नेशन एक्टिविटी कर रहे हो, या आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोल रहे हो। तो ये बहुत एक थिन लाइन है कि वो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि एंटी नेशन माना जाएगा, और वो कौन सा ऐसा नेशन है जो कि एंटी गवर्नमेंट माना जाएगा। देखो एंटी गवर्नमेंट कोई बुरी बात नहीं है, गवर्नमेंट अगर खराब काम कर रहा है तो इट इज योर फंडामेंटल राइट्स कि आप उसके बारे में बोलो, अगर नहीं बोलोगे तो फिर तो मोनार्शी आ जाएगी, फिर तो गवर्नमेंट डोमिनेंट हो जाएगी हमारे ऊपर, ठीक है। तो एक बहुत पतला सा वो है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो सब चीजें होती है, जैसे सेक्शन 69 में आईटी एक्ट में ये प्रोविजन हो गया था कि भाई आप सोशल मीडिया पे कुछ उल्टा सीधा लिख नहीं सकते, इस चीज को, ये वाला जो आप केस पढ़ने में अगर आप लोग को आ रहा हो, ये वाला केस श्रिया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेयर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 69। असल इस केस में श्रिया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इन्होंने चैलेंज किया था कि जो 69 आर्टिकल, ये सेक्शन 69 है आईटी एक्ट का, ये आर्टिकल 19 के, यानी राइट ऑफ एक्सप्रेशन के हमारे जो अधिकार है उसको इम्ब्रीच कर रहा है। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोई इम्ब्रीच नहीं कर रहा भाई, आपके फंडामेंटल, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो कभी एब्सोल्यूट है ही नहीं, वो हमेशा कंडीशनल है, आपको कभी नहीं मिलेंगे ऐसे, तो आप नहीं क्या क्या बोलते रहे हम लोग, ठीक है। तो ये केस दो को ध्यान रखना, इसका कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, और मेंस में तो खैर पूछ भी सकते हैं डिटेल में कि डिस्कस सेक्शन 69 ऑफ द आईटी एक्ट 2000, तो उसमें यही से आपको लिखना है कि दिस एक्ट टू स्टॉप व्हाट द रूमर्स द सॉवरेनिटी एंड टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया ओवर द सोशल मीडिया, ठीक है, ये चीज है। अच्छा थर्ड आपका एक और बड़ा अच्छा आर्टिकल रहा, अगर आप यहाँ पे पढ़ने में आ रहा हो, एनएफएचएस को लेकर है आपका, अगर आपको पढ़ने में आ रहा हो क्या लिखा हुआ है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है। तो पहले ये समझते हैं कि एनएफएचएस होता क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे मैंने यहाँ पे रखा आप लोग के लिए, अगर आपको दिख रहा हो दोनों को कि एनएफएचएस क्या होता है। इस इज अ लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे कंडक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ हाउस होल्ड थ्रू आउट द इंडिया, ठीक है। ये मेन तौर पे फैमिली हेल्थ सर्वे आपका, इसको कंडक्ट कौन करता है, ये जो ये वाली चीज है यही आपसे एमसीक्यू में पूछी जाती है कि एनएफएचएस हैज बीन कंडक्टेड बाय होम, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली हेल्थ, ये वेलफेयर हैज डेजिग्नेटेड द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस मुंबई एज द नोडल एजेंसी, ठीक है।
तो आपसे पूछेगा कि जो NFHS है वो कंडक्ट कौन या उसका नोडल एजेंसी कौन है, तो ये टिकर क्या है। अब ये NFHS हम करते क्यों हैं, तो यहाँ पे देखो इसके ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं मैंने, टू प्रोवाइड एसेंशियल डेटा ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नीडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, उसके अकॉर्डिंग वो स्कीम्स बनाते हैं आपकी, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन इंपॉर्टेंट इमरजेंसी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इशूज, हमारे यहाँ ही बहुत सारे जो इशूज हैं हेल्थ को लेकर। फिर उसके बाद द सर्वे प्रोवाइड स्टेट एंड नेशनल इन्फॉर्मेशन फॉर इंडिया ऑन, किस किस पे वो देता है सर्वे, ये देखो ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ये रट्टाफिकेशन है जो आपको करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फर्टिलिटी हो गया कि इंडिया की फर्टिलिटी कैसी है, इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टी रेट कि भाई कितने बच्चे जो है वो मतलब मोर्टिलिटी रेट क्या, उसको कैसे कम किया जाए, प्रैक्टिस ऑफ फैमिली प्लानिंग हो गया, मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ आपका हो गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन, हमारे यहाँ पता है आज भी बहुत सारे मेल न्यूट्रिशन के केसेस जो है हमारे भारत में मिलते हैं कई स्टेटों में, एनीमिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ, एंड साथ में यूटिलाइजेशन एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग सर्विस। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखो आपको यहाँ से देखो टफनेस थोड़ी शुरू होती है आपके एग्जाम की, क्योंकि ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ती है, क्योंकि क्वेश्चन देखो एमसीक्यू में कैसा हो सकता है कि विच ऑफ द पैरामीटर इज नॉट इंक्लूडेड इन NFHS, इस तरीके से वो क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नोडल एजेंसी कौन सी है इसके बीच में, तो आप भाई टिक करके आगे इंटरनेशनल फॉर पॉपुलेशन साइंस एंड मूवमेंट। ठीक, ये इसके वो है। अब यहाँ से एक और चीज पूछ सकते हैं कि जो नया NFHS 5 है उसमें क्या चीज इंक्लूड की गई है, नए टॉपिक जो कि सर्वे में पूछे जाएंगे, तो आप देखिए लोगे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका क्या क्या, कि प्री स्कूल एजुकेशन, डिसेबिलिटी एक्सेस टू डिसेबिलिटी हो गया यानी कि फिजिकली हैंडीकैप, एक्सेस टू अ टॉयलेट फैसिलिटी, पहले इसको बहुत मजाक में लिया जाता था, लेकिन अब जब से मोदी साहब ने टॉयलेट वाला कॉन्सेप्ट शुरू किया कि भाई हर घर में टॉयलेट या जो डेफिकेशन है बाहर नहीं होना चाहिए, तो इसको सीरियसली अब लिया गया है। डेथ रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, और आपका ये मेंस्ट्रुएशन में जो जो पीरियड्स होते हैं उसमें आपका कितना हाइजीन रहता है, मैथड्स एंड रीजन फॉर एबॉर्शन। ठीक, तो ये सब चीजें भी देखो आपको, ये जो सारे पैरामीटर्स हैं, टॉपिक्स हैं, ये जो नया आपका NHF 5 है उसमें इंक्लूड किया गया है। तो अब देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपके एमसीक्यू में कि जो NFHS 5 है उसमें क्या क्या नए पैरामीटर्स एड ऑन किए गए, तो ये सारे पैरामीटर्स आपको याद रहने चाहिए। समझ में आ रहा है सोनाली बातें यस सर, किस तरीके से वो क्वेश्चन को घुमा के आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो ये चीज थोड़ा सा एक मैं वो दे दूंगा, इसका स्लाइड दे दूंगा, उसको प्रिपेयर कर ले। ठीक, अच्छा अगला आपका न्यूज में जो रहा है, एक और बड़ा अच्छा एडिटोरियल आया है, थोड़ा सा छूट गया लेकिन इसका जो हेडिंग था वो ये था द मास्टर प्लान एंड द स्लेव्स। देखो जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब आपको पता ही होगा कि हमारी जो पॉपुलेशन इंडिया की ऑफिशियली हम या इंडिया जो है वो क्या बन गया है, लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन दी वर्ल्ड, हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है, और अप्रॉक्स जो हमारी पॉपुलेशन है वो 145 करोड़ प्लस में, 146 के आसपास है, बट 145 करोड़ में एक एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता रहा हूँ लेकिन एक अप्रॉक्स बता रहा हूँ, तो हम चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं। तो अब क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ जो सिटी का डेवलपमेंट है अब वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है कि हमको अब नई सिटीज डेवलप करनी पड़ेंगी। ये देखो जो क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये आपके मेंस में आ सकता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस इंडिया गोइंग टू फेस इन फ्यूचर एज आर पॉप एज वी बिकम द व्हाट बिकम द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन दी वर्ल्ड। तो चैलेंजेस में अगर पर्टिकुलर पूछ ले कि अर्बनाइजेशन चैलेंजेस या अर्बन चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, तो इस आर्टिकल में वही बहुत डिटेल में बताया गया है, तो ये थोड़ा सा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू था लेकिन प्रीलिम्स से कुछ ना कुछ इसका पार्ट आ सकता है कि अर्बनाइजेशन में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या क्या हमको मिल रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, ये बहुत बुरा हाल हो गया हमारे शहरों का कि बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन हमारी क्या हो गई है, बिल्कुल कह सकते हो डंप पड़ गई है, और अगर हमको ट्रांसपोर्टेशन अच्छी करनी है जो शहरों के अंदर बहुत ही, जैसे दिल्ली चले जाओ, NCR चले जाओ, यहाँ देहरादून में हमारे देख लो, या जहाँ भी आप लोग रहते हैं, भोपाल, बॉम्बे, लखनऊ हो गया, बनारस हो गया, बहुत बुरे हाल है। तो इसको अच्छा कैसे किया जा सकता है ट्रांसपोर्टेशन को, कोई कोई आइडिया, अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन को अच्छा करना है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, आपको क्या चीज प्रमोट करनी चाहिए। से बिल्डिंग ऑफ रोड्स, बिल्डिंग, सॉरी, अच्छा से बिल्डिंग ऑफ रोड्स, बिल्डिंग ऑफ रोड्स, उसके लिए फिर जगह कहाँ से मिलेगी, बिल्डिंगें तोड़ेंगे जो पहले से बनी हुई है। नहीं नहीं सर, मतलब जो कच्ची सड़क है उनको पक्का कर दें। अच्छा ठीक है, तो पक्का कर दें, ठीक है, और फिर जो गाड़ियां पहले एक निकलती थी अब 10 गाड़ियां आ गई, सबकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, सबके पास पहले खाली स्कूटर हुआ करती थी, अब तो सबके पास कारें आ गई हैं, और जब सारी कारें एक साथ निकलती है तो जगह नहीं होती है क्योंकि जो ब्रॉडनेस होती है सड़क की वो लिमिटेड है, तो फिर बिल्डिंग तोड़ेंगे, एक तरीका है फिर। हाँ सोनाली, तो हमें ट्रांसपोर्ट प्रमोट हाँ करेंगे।
तो इसको ध्यान रखना, इसका आंसर ही क्या होगा अगर आपके एग्जाम में प्रीलिम्स में आएगा ये सब चीजें, क्योंकि आजकल प्रीलिम्स में ना आर्टिकल क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को ज्यादा बढ़ाना, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज पे डिपेंडेंट हो, यानी कि सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो हो गया, और उसकी कैपेसिटी ज्यादा हो, कंफर्टेबल हो और फास्ट। ठीक है, अब चाहे उसके लिए आप मेट्रो डेवलप करें या मोनोरोल डेवलप करें, जो भी आपको सही लगे। ठीक है, और सिटीज में ही सब सिटीज बननी शुरू हो जाएं, यानी कि अगर आप मान लीजिए एक शहर में, यहाँ इस शहर एक यहाँ पे शहर है और आपका घर यहाँ पर ए जगह पर है, तो आप शॉपिंग करने के लिए, स्कूल के लिए, हेल्थ के लिए, कॉलेज के लिए, एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए, जो शहर का दूसरा कोना है बी, वहां ना जाए। सारी चीजें आप ही के जो सेक्शन है, ए सेक्शन है, यानी कि एक ही शहर के अंदर जो सब सेक्शन बनाते जा रही है सरकार, उसी में आपका स्कूल हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, सारी चीजें। ठीक है, तो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि हाउसिंग वहीं पर हो, हॉस्पिटल, मार्केट, स्कूल, कॉलेजेस, प्लेग्राउंड, एग्रीकल्चर फर्म, इंडस्ट्रियल एरिया, फैक्ट्री, यानी कि जो आपके ऑफिस हैं, जिससे आपका मूवमेंट कम हो। जब मूवमेंट आपका कम होगा एक जगह से दूसरी जगह, तो अपने आप जो ट्रांसपोर्टेशन है और जो बहुत भीड़ होती है जाने में, वो कम हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, बट इसमें कुछ कुछ जो चीजें हैं वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाना। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि कहीं भी जब अर्बनाइजेशन होता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को क्या क्या फेस करनी पड़ती है, तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है। अब आप मानिए कि 146 या 145 करोड़ की पॉपुलेशन को, और लगातार हमारे जो शहर हैं अब वो क्या बनते जा रहे हैं, बहुत अर्बन होते जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन, तो ये बहुत जरूरी। ठीक है, अच्छा दूसरा आपका ये रहा, ये भी बड़ा अच्छा आर्टिकल था, व्हाई हैज द आईएमएफ, इंडियन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है, व्यू ऑन क्रिप्टो मार्केट इन लैटिन अमेरिका चेंज। अब दोनों में से वही मुझे बताएगा लैटिन अमेरिका किसको कहते हैं, किसी को अगर पता हो तो, क्लास 8 का शायद। ब्राजील वगैरह, हाँ, साउथ कॉन्टिनेंट कौन सा हुआ? अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका। ठीक है, मोटे तौर से हम लोग साउथ अमेरिका को क्या बोलते हैं, लैटिन अमेरिका बोलते हैं। क्रिप्टो करेंसी के बारे में एक आधे दोनों को पता होगा, थोड़ा बहुत यस सर, सब पता है। ठीक है, क्या होती है क्रिप्टो करेंसी, कुछ अगर अंदाजा है तो? बिटकॉइंस वगैरह ये सारे क्रिप्टो में आते हैं। तो बिटकॉइंस क्या होगा, अगर मुझे परचेज करने हैं बिटकॉइन, तो मैं कैसे करूं भैया, बिटकॉइन बनते कैसे हैं? अगर कभी मौका मिला हो पढ़ने का, कोई बात नहीं, बाद में। कुछ अंदाजा है आपको बिटकॉइन को लेकर? इससे मुझे नहीं पता कैसे बनते हैं, मतलब ऑनलाइन करेंसी है हाँ, बिटकॉइन फिर तो। ऑनलाइन करेंसी, और हमारे भारत में उसको लेकर बड़े स्कैम्स होते हैं कि बिटकॉइन जी परचेज कर लो, और देखा होगा मैसेजेस आते हैं। तो एक छोटा सा एक ये रखा है मैंने, असल में ये जो आपके क्रिप्टो करेंसी होती है इज अ फॉर्म ऑफ करेंसी दैट्स ओनली डिजिटल। ठीक है, इसका तो मतलब ये हो गया कि हम अपना लैपटॉप खोलते हैं, पेंट खोलते हैं, पावर पॉइंट खोलते हैं, और उसमें लिख देते हैं बिटकॉइन, तो बन गया करेंसी। ऐसा नहीं होता वो। इसकी क्या होती है, ध्यान रखना, बिटकॉइन की आपकी क्या होती है, माइनिंग होती है। आप बोलोगे माइनिंग कहाँ से हो रही है भाई, खोदते हैं क्या उसको? तो देखो क्या लिखा हुआ है, क्रिप्टो करेंसी कैन बी माइंड यूजिंग योर कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर से होती है। फॉर दिस यू नीड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस एंड अपडेट अ क्रिप्टो लेजर कॉल्ड ब्लॉकचेन। इट मे साउंड इजी बट इट इज नॉट, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग दीज डेज रिक्वायर सुपर पावर मशीन। क्या होता है कि ये सुनने बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन एक कंप्यूटर के अंदर आप कई सारे इक्वेशन डालते हैं, इसको बहुत डिटेल में नहीं समझना आपको, बहुत सारी इक्वेशन डालते हैं कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल्स की, जब वो इक्वेशन सॉर्ट आउट होती जाती हैं, तो उसके जो डिजिटल तरीके से जो आंसर आते जाते हैं, एक यूनिक कोड मिलता जाता है, उसको हम लोग क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। और इसका एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बना था, और आगे बन सकता है, कि क्रिप्टो करेंसी बनाने में एज वेल है कि आप क्या यूज करेंगे, कंप्यूटर यूज करेंगे, और वो भी बहुत हाई पावर के कंप्यूटर यूज करेंगे, तो इससे क्या होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन इमिशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। वो कैसे होगा, इसको इनडायरेक्टली ऐड किया, क्वेश्चन कैसे आएगा कि क्रिप्टो करेंसी बनने से ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब वो कैसे होगी भाई, कंप्यूटर यूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे, वो बिजली कहाँ से बन के आएगी आपकी, जो आपके कन्वेंशनल सोर्सेज है, यानी कि मेनली तौर पे आज भी दुनिया में जो बिजली बनती है बहुत जगह किससे बनती है, थर्मल पावर रिएक्टर्स होते हैं। थर्मल पावर रिएक्टर्स पता है ना दोनों को, उसमें कोल को जलाते हैं और कोल को जला के बिजली बनाते हैं। कैसे, कोयले से बिजली कैसे बनती है? सर, उससे जो बर्न करके जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे टरबाइन वो हाँ, जो कोल होगा उससे वाटर को उबालेंगे, पानी को उबालेंगे, पानी से वही पुरानी चीज, पानी से क्या बनेगी आपकी, स्टीम बनेगी, और स्टीम से टरबाइन को घुमाएंगे। ठीक है, बट कोल को जलाने के ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन का इमिशन होता है, हम सब जानते हैं, तो इसको ध्यान रखना, ये इनडायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो
ये जब भी वर्ड बोलो क्रिप्टो करेंसी, तो हमेशा आपको माइनिंग याद रहना चाहिए। माइनिंग का मतलब कंप्यूटर के अंदर, और जहां जहां क्रिप्टो करेंसी बनती है वहां कई कंप्यूटर्स 24 घंटे काम करते रहते हैं, इक्वेशन सॉर्ट आउट करते रहते हैं, और एक क्वाइन निकालने में उनको लगभग कहते हैं कि 1 हफ्ते से 10 दिन लग जाता है एक मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉर्ट आउट करने में। और जब वो सॉर्ट आउट होती है तो उसका एक यूनिक कोड जनरेट होता है, और वही यूनिक कोड अपने आप में क्या बनाया जाता है, क्रिप्टो करेंसी बनाया जाता है। ठीक है, जितना मैंने भी बोला उतना आसान नहीं है, इसके पीछे बहुत सारा वो है। ठीक है, देन यहाँ पे लिखा है कि भाई माइनिंग करने से अच्छा आप क्या कर सकते हैं, उसकी बाइंग कर सकते हैं, बहुत इजियर है जिसके पास है, दिस कैन बी डन थ्रू एनी ऑनलाइन क्रिप्टो एक्सचेंज, और यहीं पे बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। द ऐप नॉट अलाउड यू टू बाय डिजिटल करेंसी बट ऑल्सो सेल, यू कैन ऑल्सो वॉट बाय क्रिप्टो करेंसी इन स्मॉल बैचेस। और ध्यान रखना बिटकॉइन तो एक एग्जाम्पल है क्रिप्टो करेंसी का जो कि पॉपुलर हो गया। ऐसे ऑफिशियली अगर मैं बोलूं कि कितने क्रिप्टो करेंसी है पूरी दुनिया में, तो लगभग 8 या 10 क्रिप्टो करेंसी जो बड़े बड़े ही महंगे हैं। ठीक है, अभी जो बिटकॉइन आपने वर्ड यूज किया उसी को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। अच्छा, जैसे कि एक बड़ा क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे फॉरेस्ट और फॉरेस्ट नहीं सॉरी पॉपुलेशन ऑफ टाइगर और आपके पीने के पानी के बीच में एक रिलेशन है, कैसे? बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है बट ये भी पूछा जाता है ऐसे। पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रिंकिंग वाटर ऑफ ह्यूमन बीइंग, इसको कैसे प्रूफ करोगे? हाँ पर यस, आइडिया नहीं कोई आइडिया नहीं है, कोई और गेस फातिमा? अरे तो सर। सर जितना ड्रिंकिंग वाटर आप एक्सेस करने के लिए आपको नेचुरल हैबिटेट्स डिस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से मतलब टाइगर का हैबिटेट तो हमारे इनडायरेक्टली। हमारे तो ड्रिंकिंग वाटर मेनली किससे आते हैं, तो रेन वाटर के थ्रू आता है, या फिर आपके किसके आता है, ग्राउंड वाटर के थ्रू आता है, या फिर रिवर्स के थ्रू आता है, जी सर। तो सब सर कुछ। ग्राउंड हाँ, तो ग्राउंड वाटर एक्सेस करने के लिए आप मतलब जमीन खोदेंगे, या एक तो उसकी वजह से SPM और ये सब रिलीज हो, मतलब पोल्यूशन बढ़ रहा है बढ़ रहा है। SPM ठीक और। है ठीक है, असल में ये जो है आपका कैसे है, पॉपुलेशन ऑफ टाइगर बड़ा इलॉजिकल था, लेकिन जब मैं पढ़ रहा था आर्टिकल को तो उसका कंक्लूजन उन्होंने यही दे रखा था कि जहां आपके टाइगर्स होते हैं वहां पर ड्यू टू दी व्हाट इन्वायरमेंटल लॉस, आपके जो क्या होती है जो डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट होती है वो ज्यादा होती है, वहां पे फॉरेस्ट की कटिंग और डिफॉरेस्टेशन ना के बराबर होता है। तो एज जो देखिए जहाँ फॉरेस्टेशन ज्यादा होता है वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो वहां पे क्लाउड्स अट्रैक्ट होते हैं, और वहां पे एज कम्पेयर टू अदर जगह के मुकाबले जो रेनफॉल होती है वो क्या होती है, ज्यादा होता है। जब रेनफॉल ज्यादा होगी तो अपने आप ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा, नदियों में पानी बढ़ेगा, तो सीधा इनडायरेक्टली वो आपको क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से ये क्रिप्टो करेंसी का भी लॉजिक वो पूछ सकते हैं आपसे कि कैसे ये ग्लोबल वार्मिंग के इसमें लिए। तो टाइगर के अलावा और भी सारे एनिमल्स हाँ हो सकते अरे ऐसे तो मैं बोलूँ कि जैसे नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर है, बाकी एनिमल भी तो उतने ही इंपॉर्टेंट रखते हैं फूड चेन के लिए, खाली टाइगर हैं। थोड़ी खाएगा अपने आप को। बट वो एक आर्टिकल में इस तरीके से उन्होंने एक इंकरेजमेंट वाली बात बोल रहे थे, वो मुझे भी पता। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और चीज जो ये हुई है, ये जो आर्टिकल आया था उसमें ये हुआ है कि जो लैटिन अमेरिका है, जैसे कि हाँ जो लैटिन अमेरिका है, हाँ देखो क्या लिखा हुआ इस आर्टिकल में, थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कंटेल किए हैं कि IMF इश्यूड अ स्टेटमेंट ऑन द यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन मार्केट। ठीक है, IMF एक बहुत बड़ी एजेंसी आपको पता है, वर्ल्ड वाइड है, एंड अबाउट रेजिंग इंटरेस्ट इन ब्लॉकचेन बेस्ड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, तो यानी कि IMF ने भी एट लास्ट इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है कि भाई ठीक है, अब क्रिप्टो करेंसी को हम ज्यादा दिनों तक रोक नहीं सकते। द ग्लोबल मॉनेटरी अथॉरिटी एंडेड इट्स स्टेटमेंट नथिंग दैट अ बैन ऑन क्रिप्टो मे नॉट बी अफेक्ट इन लॉन्ग रन इन द रीजन। पहले IMF क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट में था, बट अब वो कह रहा है कि नहीं, अब हर एक कंट्री को धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी की तरफ बढ़ना चाहिए। तो अगर देखें तो साउथ ये लैटिन अमेरिका में अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया हैव एक्सपीरियंस डिवेल्यूएशन ऑफ देयर करेंसी, उनकी करेंसी की वैल्यू बहुत गिरती जा रही है एज अगेंस्ट डॉलर। तो वहां के लोग जो है क्रिप्टो करेंसी पे ज्यादा वो कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं उनका। ठीक है, और फिर देखो साउथ अमेरिका में यानी कि लैटिन अमेरिका में एल सल्वाडोर इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट बिटकॉइन। तो ये देखो एक आपका MCQ क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि पूरी दुनिया में ऑफिशियली तौर से कौन सी कंट्री जिसने बिटकॉइन को अडॉप्ट किया, ये अपने एम्प्लॉइज को मार्केट में उसने बोला कि आप बिटकॉइन यूज कर सकते हो, अभी इंडिया में अलाउड नहीं है ओपन मार्केट में। फिर द लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी बाई मार्केट कैपिटलाइजेशन एज इट्स लीगल टेंडर, तो ये नाम याद रखना है, एल सेल्वाडोर।
और बकायदा इसके लिए एल साल्वाडोर ने एक डिजिटल वॉलेट यूज किया, जैसे अभी आप लोग करते हो ना डिजिटल वॉलेट, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, ये सब क्या आपके डिजिटल वॉलेट। और एक और चीज यहाँ बता दूं मैं, जब यहाँ चल ही रहे हैं, हमारे भारत में इस समय लगभग 24 डिजिटल वॉलेट्स हैं, जैसे गूगल पे है और अमेजोन पे है, मेरे ख्याल से आइडिया का भी अपना है, वोडाफोन का भी अपना है, तो ऐसे करके 24 डिजिटल वॉलेट्स हैं। वो बात अलग है कि उसमें से आपका वीक में गूगल पे और पेटीएम और ये ज्यादा फेमस है। ठीक, अच्छा, तो एल सेल्वाडोर ने बकायदा इसके लिए एक डिजिटल वॉलेट जो है शुरू किया, जिसका नाम जो है वो उन्होंने शिवो रखा है। ठीक है, तो पूछ सकता है भाई कि ये किस चीज के लिए यूज है, कि क्रिप्टो करेंसी आपस में शेयर कर सकते हैं। अब आप देखिए कि 2021 का डाटा मेरे पास है, अभी मुझे लेटेस्ट मिला नहीं, लेकिन उस समय बिटकॉइन की जो कॉस्ट पहुंच गई थी वो आप देख सकते हैं कितनी है, $1 जो है कितना दिखा रहा है वो आपका। ठीक है, एक बराबर, तो किसी के पास अगर दो भी है तो कितना अमीर इंसान होगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी तरफ इसी से इंस्पायर होकर चाइनीज गवर्नमेंट ने भी क्या किया है, ही ऑल्सो प्रोमोटेड इट्स डिजिटल व्हाट, ERMB। और यही ध्यान रखना, हमारी जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, वो भी क्या यूज लॉन्च करने वाली है, डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाली है। तो मेरे ख्याल से इस साल या अगले साल RBI जो है डिजिटल करेंसी लॉन्च कर देगी, तो आपका फिर जो फोन पे या गूगल पे होगा उसमें अब आप क्या यूज करेंगे, डिजिटल करेंसी यूज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, सर, इसको लेकर के कोई रूल्स या रेगुलेशंस तो नहीं है अभी बिटकॉइंस को लेकर के हमारे इंडिया में? इंडिया में नहीं है, पर इंडिया में ये भी कहा गया है कि ये लीगल नहीं है, आप इसको लीगल यूज नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखना, ये इलीगल एक्टिविटी में आता है। अगर किसी के पास बिटकॉइन है तो वो ऐसा नहीं कह, मान लीजिए मेरे पास बिटकॉइन है और मैं ये बोलूं कि मैं SBI बैंक जाके उसको कन्वर्ट करा लूंगा, तो वो अभी अलाउड नहीं। ठीक है, यस हाँ, उसकी वैल्यू मुझे पता है कि कितनी है, मान लीजिए मेरे पास एक बिटकॉइन है, उसकी वैल्यू मान लीजिए 50,000 रुपीज है, वो मुझे पता है, बट कन्वर्ट में बड़ी परेशानी होगी। या तो पहले मुझे उसको, मेरे बिटकॉइन को मुझे डॉलर्स में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, और फिर डॉलर्स लेके मैं जाऊंगा कहाँ, बैंक में जमा करने, जहां पे वो मनी क्या होगी, या पौंड होगी तो पौंड में कन्वर्ट कराऊंगा, और फिर वो जाके मैं जमा करूंगा। लेकिन अभी लीगलाइज नहीं कर रखी, लेकिन एक सर्वे ये कहता है, जो मैं पढ़ रहा था आर्टिकल, कि बहुत ज्यादा एक अच्छी खासी अमाउंट लोगों ने बिटकॉइन में लगा रखी है, और वो कहीं ना कहीं इवन हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने बिटकॉइन खरीद रखे हैं, जो लीगल बिटकॉइन्स हैं। तो अब वो भी पीछे पड़े हैं गवर्नमेंट के, भाई ऐसा मत करो, ऐसा ना हमारे पैसा उसे डूब जाए। और आप लोगों ने वो वर्ड सुना है हवाला, ये वर्ड सुना है कभी अखबारों में हवाला? सर वर्ड सुना मगर पता नहीं क्या पता है। नहीं क्या होता है, ठीक, सुना ली, हवाला वर्ड सुना है? नहीं सर अभी नहीं देखो हवाला क्या बता। होता है, कहते हैं ना हवाले का पैसा। देखो हाँ क्या होता ये है, सही है। क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी के ऊपर बोल नहीं रहा, लेकिन मान लो फॉर एग्जाम्पल एक आपका यहाँ का कोई पॉलिटिशियन है, उसने ब्लैक की मनी कमाई, ठीक है, मान लो उसने 2,000 करोड़ रुपीज कमाए, तो ये 2,000 करोड़ रुपीज क्या वो यहाँ के किसी बैंक में जमा कर सकता है? नहीं कर नहीं सकता। ठीक है, अगले दिन ही शाम को ही जेल आ जाएगी, या किसी ब्यूरोक्रेट ने कमाए। ठीक है, अब जो उसके पास 2,000 के जो करेंसी होगी, एज यू लाइक की इंडियन रुपी होगी, 2,000 के नोट होंगे या 500 के नोट होंगे, और उसको पता है कि ये पैसा वो यहाँ के बैंकों में तो जमा कर नहीं सकता। अगर मान लो उसको ये पैसा 2,000 करेंसी जो रुपीज हैं, 2,000 करोड़ रुपीज, अगर उसको मान लो यूरोप के किसी बैंक में जमा करने हैं, तो कैसे करेगा वो? यूरोप का कोई बैंक, देखा ना कई लोग ब्लैक मनी अपनी यूरोप के स्विस बैंक में जाके जमा करते हैं, तो वो कैसे करेगा? क्या पहले वो SBI बैंक में जमा करेगा, फिर वहां से ड्राफ्ट बनवाएगा, फिर वो स्विस बैंक जाएगा, वहां से डिजिटल तरीके से पैसा ट्रांसफर करेगा? ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो क्या करेगा नेताजी, क्या करेंगे, ये 2,000 करोड़ रुपीज मान लो इंडिया में कोई ए रहता है उसको दे देंगे, लो भाई ये पैसा तुम पूरा रख लो। फिर ए का जो कोई भाई होगा, कोई फ्रेंड होगा जो कि स्विट्जरलैंड में रहता है, उसका नाम बी है, तो ए जो है वो बी को फोन करेगा कि भाई मुझे इस नेताजी ने 2,000 करोड़ रुपए दे दिए हैं, जमा कर दिए अपनी जो इंडियन करेंसी उसमें दे दिए हैं, अब हमारा परसेंटेज काट लो जो भी होगा। मान लो उसने बोला कि 2,000 करोड़ में से 2 करोड़ रुपए मेरे, ठीक है, और बाकी का 1,099 जो है, आप 98 जो है, वो क्या होगा, ये बी क्या कर देगा, जमा कर देगा कहाँ पर, अपनी तरफ से, जो कि उसके पास स्विस करेंसी होगी उसके अकाउंट में। तो इस तरीके के ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हवाला बोलते हैं। समझ में आया दोनों को? यस ठीक है, यस तो सर। ये कोई लीगल टर्म नहीं है, कोई इकोनॉमिक्स की टर्म नहीं है, ये सारी की सारी जो इलीगल टर्म्स हैं, जो चोरी करते हैं उनको, वो ऐसे पढ़ते हैं हवाला का पैसा पकड़ा गया, जो ईडी होती है, यस सर। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होते हैं, उनका यही काम होता है पकड़ना। ठीक है,
क्योंकि ध्यान रखना, हमारे भारत में आप प्राइवेट जॉब में हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं, आपके पास जो पैसा है, मान लीजिए अभी मेरे पास यहाँ 5,000 करोड़ रुपीज आए हैं, तो मैं क्या बताऊंगा उनको कि कैसे आए मेरे पास? वही तो मुझे सोर्स बताना पड़ेगा ना, कि रातों रात कोई दे के चला गया, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो फिर माना जाएगा कि भाई कि मैं इलीगल ट्रांजेक्शन या हवाला ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अगला ये आपका आजकल जो नाटक चल रहा है हमारे यहाँ, क्या यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर है, जिसमें कहा गया एमपीज ऑन ये स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट में है गिविंग पेपर दैट यूसीसी इज नॉट नेसेसरी और डिजायरेबल। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो हमारे यहाँ डिजायरेबल नहीं है। अब यहाँ से प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन, आउट ऑफ 20 स्टेट्स क्या हमारे किसी स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट है? इसलिए पूछ रहा हूँ, किसी को पता है कहाँ पर है? गोवा में तो गोवा, है। गोवा में है। ठीक है, गोवा में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो ब्रिटिशर्स ने इंप्लीमेंट किया था, कब कब आपका 1867 में। ठीक है, ध्यान रखना 1867 में किसने, सॉरी ब्रिटिशर्स ने नहीं, पोर्तुगीज ने, सॉरी पोर्तुगीज ने इंप्लीमेंट किया था। और जब गोवा जो है इंडिया से आके मिला 1962 में, तब भी इसमें कोई थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत चेंज किया गया, क्योंकि वहां के लोग इसके आदी हो चुके थे। और 62 से लेकर आज तक वहां पे जो है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यूनिफॉर्म सिविल कोड का कतई मतलब नहीं है कि सबके लिए एक ही जो रिलीजियस वर्शिप का तरीका है, जो हम सबके धर्म के अलग अलग तरीके हैं, अपने जो है गॉड बोल लो, खुदा बोल रहे हो, उनको प्रे करने के, यूसीसी कहीं ये नहीं कहने वाला कि आपको एक ही कॉमन तरीका अपनाने वाला है। ठीक है ना, ना जो फैमिली लॉज है, हमारे यहाँ दो ही बहुत मेन फैमिली लॉज है, एक आपका हिंदू लॉ है, एक आपका मोहम्मडन लॉ है, उसमें भी कोई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, यूसीसी ये चीजें करने ही नहीं वाला है, तो उसकी इतनी जरूरत हमारे यहाँ अभी है भी नहीं जो ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से आपको एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन क्या मिल जाएगा कि पहली बार कब इम्प्लीमेंट हुआ था, तो टिक करके आना 67 में, वो कौन सा स्टेट था आपका? गोवा। और आज के डेट में अगर कोई दूसरा स्टेट बनेगा जो यूसीसी को इम्प्लीमेंट करेगा, तो वो हमारा क्या होगा? उत्तराखंड होगा। हमारे यहाँ एक देसाई कमीशन है, उसने अपनी रिपोर्ट तैयार लगभग लगभग कर ली है, शायद इस हफ्ते वो स्टेट गवर्नमेंट को दे देंगे, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट लॉ डिपार्टमेंट से कंसल्ट करेगी कि कहीं इसको चैलेंज तो नहीं किया जाएगा। क्योंकि देखो हमारा ये फंडामेंटल राइट है कि इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द लॉज विच इज मेड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, तो आप कहाँ जा सकते हो? कोर्ट में जा सकते हो। तो एज यूजुअल है कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो पक्का कोर्ट में जाएंगे कि भाई हमारे जो रिलीजियस जो फंक्शन है या जो रिलीजियस हमारा तरीका है वो बिल्कुल अलग है, एक आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये कोर्ट में पक्का चैलेंज होगा, चाहे वो हाई कोर्ट में चैलेंज हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है, बस इसमें इतना ही था हमारा। चलो 5 मिनट का हम लोग ब्रेक लेंगे, फिर हम लोग जो एंशियंट इंडिया है उसको हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है।